गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स. और नेक्स्ट टॉपिक इज डेट द कंपोनेंट्स ऑफ द एवरेज कॉस्ट. एवरेज कॉस्ट के टू कंपोनेंट हैं बेसिकली, जैसे टोटल कॉस्ट के थे सेम लाइक एज द एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. मतलब क्या, एवरेज कॉस्ट दो तरीकों से मिलकर बना, एवरेज फिक्स कॉस्ट से और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से. तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. जब नाम से क्लियर है कि एवरेज का मतलब क्या होता है, जब हम पर यूनिट निकालते हैं तो एवरेज कॉस्ट रेफर्स टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट. मीन्स क्या है कि औसत लागत, प्रति इकाई औसत लागत को क्या बोला जाता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कहा जाता है. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को निकालने का, एएफसी मींस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एएफसी को निकालने का तरीका है टीएफसी डिवाइड में क्यू. टीएफसी का मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड में क्वांटिटी. मैंने क्या कहा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को निकालने का तरीका है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड में क्वांटिटी. ये सेम लाइक एवरेज कॉस्ट की तरह, वहाँ पे एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइड में क्वांटिटी था, यहाँ पे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट किसके इक्वल होगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड में क्वांटिटी के इक्वल होगा. अब ये इसका शेड्यूल है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का जो बेसिकली हम शेड्यूल की बात कर रहे हैं, आपको याद हो जो हमने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को जब डिस्कस किया था उसके कंपोनेंट्स डिस्कस किए थे, तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारी कितनी थी, ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट 10 10 10 आ रही थी हर केस में, हमारी 10 आ रही थी. और एवरेज फिक्स कॉस्ट को निकालने का फॉर्मूला अभी हमने देखा कि टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड में क्वांटिटी. मीन्स फिक्स कॉस्ट आपको गिवन है 10, क्वांटिटी है 1. फर्स्ट केस में क्वांटिटी है 1, 10 डिवाइड में 1 कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 डिवाइड में 2 5, 10 डिवाइड में 3 3.3, 10 डिवाइड में 4 2.5, 10 डिवाइड में 5 2, 10 डिवाइड में 6 1.7, 10 डिवाइड में 7 1.4, 10 डिवाइड में 8 1.25. तो ये हमारे पास क्या निकल कर आ गई, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकल कर आ गई है. अब जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को हम किसके ऊपर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमने डायग्राम के ऊपर रिप्रेजेंट किया. ओ एक्सिस के ऊपर हम क्या ले रहे हैं, यूनिट्स ऑफ आउटपुट ले रहे हैं. ओ एक्सिस पे हमने एवरेज कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट को लिया है, मैंने कॉस्ट लिखा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को लिया है. जैसे जैसे हमने क्या किया, अब जब 1 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस किया तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आ रही थी हमारे पास, 10 आ रही थी. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आ रही थी हमारे पास, 10 आ रही थी, यहाँ पे मैंने जो सर्कल लगा रखा है. और जब सेकंड यूनिट जब हमने आउटपुट प्रोड्यूस किया, तो मतलब क्या होता है, हम क्या कहते हैं कि जैसे जैसे हम प्रोडक्शन करते जाते हैं तो हमारी पर यूनिट क्या होती जाती है, डिक्रीज. ठीक है, पहले कितनी आ रही थी, 10 आ रही थी, जब सेकंड यूनिट प्रोड्यूस की तो कितनी आने लगी, 5 आने लगी. ठीक है, देखो कितनी आने लगी हमारे पास, 5. जब थर्ड यूनिट प्रोड्यूस की तो कितनी आई, 3.3 आ गई. ठीक है, 3.3 आई, यहाँ पे हमारा कितना बनेगा, 3.3 बनेगा समथिंग. उसके बाद फोर्थ यूनिट प्रोड्यूस की तो कितनी आई, 2.5 समथिंग लाइक एज डेट आई गाइस. तो जैसे जैसे हम यूनिट प्रोड्यूस करते जा रहे हैं तो हमारी पर यूनिट क्या होती जा रही है, फिक्स कॉस्ट डिक्रीज होती जा रही है. ठीक है, अब देखो जैसे मैंने एक लैंड ली है, अब लैंड जो मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे ट्यूशन का सेंटर का लिया था, जस्ट मैंने एक ट्यूशन सेंटर ओपन किया, उस ट्यूशन सेंटर के ऊपर जस्ट मेरे पास एक बच्चा आता है. अब उस ट्यूशन सेंटर का जो रेंट मैं पे करती हूँ पर मंथ का, वो 1000 रुपीज़ पे करती हूँ. ठीक है, और उससे बच्चे से जो मैं चार्जेस लेती हूँ, उस बच्चे से जो मैं चार्जेस लेती हूँ, डेट इज़ 500 रुपीज़ अगर मैं लेती हूँ पर मंथ के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे जो मेरी कॉस्ट पड़ेगी वो कितनी पड़ेगी, 500 मैं अपनी तरफ से ही दे रही हूँ, 500 ही मेरा यहाँ से कवर हो रहा है. अब दो बच्चे आने लग जाएंगे मेरे पास, 1000 रुपीज़ आएगा. मतलब क्या आएगा, एक तरीके से ना तो प्रॉफिट हुआ ना मेरे पास लॉस, मतलब जितना मेरे पास अर्न हो रहा था उतना मैंने दे दिया. अब मेरे पास 3 स्टूडेंट्स आने लगे, 1500 रुपीज़ हुआ. तो मतलब यहाँ पे क्या है, जब 1 स्टूडेंट आ रहा था तो मतलब 1000 रुपीज़ ही रेंट दे रही थी मैं. अब यही चीज़ होगी, ये फिक्स रेंट है, 1 स्टूडेंट आ रहा था तो 1000 रुपीज़ रेंट होगा मेरा. इसको अगेन देख लेते हैं एक बार हम, जब हम मेरे पास क्या आ रहा था, 1 स्टूडेंट आ रहा था ट्यूशन सेंटर के पर, 1 स्टूडेंट 1000 रुपीज़ रेंट दे रही थी, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी, 1000. जब 2 स्टूडेंट्स आ रहे थे तो कितनी हो जाएगी, 500. जब 3 स्टूडेंट्स आएंगे तो कितनी हो जाएगी, 333.33 समथिंग कुछ आ जाएगा. मतलब क्या है, जैसे जैसे मेरे पास स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, मेरी फिक्स कॉस्ट क्या होती जा रही है, उस ट्यूशन के रूम की जो फिक्स कॉस्ट क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है. उसी तरह इन द सेम लाइक दैट, जैसे जैसे हम आउटपुट को बढ़ाते जाते हैं तो हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती जाती है, हमारे पास कम होती जाती है. अब जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है कि हम जो हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो कौन सी शेप बना रही है, हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट कौन सी शेप बना रही है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप बना रही है, मतलब नीचे की तरफ आ रही है ये वाली शेप. अभी इसके नीचे की तरफ आने का पर्पस क्या है, ये जो नीचे की तरफ आ रही है
इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन अराइज कर सकती हूँ, वाई द एवरेज फिक्स कोस शेप इज बी आर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसकी शेप क्यों होती है। सिंपल, अभी तो बताया, आप कह सकते हैं जैसे जैसे हम क्या करते हैं आउटपुट को इंक्रीज करते जाते हैं तो हमारी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या होती जाती है, डिक्रीज होती है, तो इसकी शेप कैसे बनती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनती है। ठीक है, ये था हमारे पास एवरेज फिक्स कॉस्ट। उसके बाद है सेकेंड कॉम्पोनेंट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या, रेफर्स टू पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, मतलब क्या, लेबर को लगाने पर जो पर यूनिट कॉस्ट मेरी आ रही है उसको क्या बोलेंगे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अभी हमने एक जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था, कि एवरेज फिक्स कॉस्ट जो हमारी एवरेज कॉस्ट होती है वो यू शेप की बनती है। इसके भी कई रीज़न होते हैं, स्टार्टिंग में हमें क्या मिलता है, जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज करते हैं तो इसकी बेसिकली थ्री स्टेजेस बनती हैं हमें, जहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इकोनॉमीज, डिस इकोनॉमीज कुछ मिलती हैं, तो यहाँ पे हमें कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल मिलने स्टार्ट हो जाते हैं सेकेंड स्टेज के ऊपर। ये थोड़ा हाई लेवल का कंसेप्ट है। तो यू शेप बनने का भी कई कारण हो सकते हैं कि सबसे पहले जब हम आउटपुट को इंक्रीज़ करते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट क्या होती जाती है हमारी, डिक्रीज। तो इस वजह से सबसे पहले एवरेज कॉस्ट क्या होती है हमारी, डिक्लाइन होती है। उसके बाद एक लेवल ऐसा होता है कि कॉन्स्टेंट हो जाती है। उसके बाद हम जब आउटपुट को इंक्रीज़ करते हैं तो एक लेवल ऐसा आता है जहाँ पे हमें क्या होती है, डिस इकोनॉमीज मिलनी स्टार्ट हो जाती है, तो हमारी कॉस्ट क्या हो जाती है, बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। अभी कई कारणों से हो सकते हैं, मे बी कस्टमर का टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो गया हो, प्राइसेस वगैरह बढ़ गए हो, तभी उसने परचेज करना बंद कर दिया, तो इस वजह से भी कुछ कारण हो सकते हैं। तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, पर यूनिट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रेफर्स टू पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, को क्या बोला जाता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहा जाता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को निकालने का सेम फॉर्मूला, ए वी सी मीन्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, टी वी सी मीन्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट, क्यू मीन्स क्वांटिटी। अब टोटल वेरिएबल को सेम, वैसे एवरेज कॉस्ट क्या थी, टोटल कॉस्ट के इक्वल थी, वैसे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट लेंगे, डिवाइड में क्या कर देंगे, क्वांटिटी। अब इसका ये डायग्राम है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, जो इसका ये डायग्राम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, अब हमने जो फर्स्ट वीडियो के अंदर एवरेज जब कंपोनेंट स्टार्ट किए थे तो वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास कैसी थी, 10, 8, 24, 28, 32, 38, 46, उसके बाद लेना चाहो तो जैसे हम गैप ले सकते हैं, 10 का गैप 56 आ जाएगा 8th यूनिट के ऊपर। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, पर यूनिट निकालने के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट 10 डिवाइड में 1, 10, 18 डिवाइड में 2, 9, 24 डिवाइड में 3, 8, 28 डिवाइड में 4, 7, 32 डिवाइड में 5, 6.4, 38 डिवाइड में 6, कितना आ जाएगा, 6.3। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। जब इसका कुछ डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आएगी, मीन्स थोड़ी सी फ्लैटर। जब हम इसके रिलेशंस की बात करेंगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, इसके अंदर आपके लिए सिर्फ इतना सफिशिएंट, नेक्स्ट वीडियो में जब हम इसका रिलेशन देखेंगे तो आपको एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कुछ इस तरीके से आपको कुछ डिफरेंस दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा गैप क्या होता है, इसका थोड़ा सा ज़्यादा होता है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा कम होता जाता है, लेकिन कभी भी आपस में AC, ये हमारे पास एवरेज कॉस्ट है, और ABC कभी भी आपस में मैच नहीं होती हमारी। वही फर्स्ट यूनिट पे कितना आया था, 10, फर्स्ट यूनिट पे कितना था, 10, सेकेंड यूनिट पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट थी 9, थर्ड यूनिट पे थी 8, जो सर्कल लगा रखे, फोर्थ यूनिट पे कितनी थी, यहाँ पे देखो 7। जब हम इन्हें इस सोन जब ड्रॉ कर लेंगे तो ये पॉइंट्स को हम मैच आउट करेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो बस आपको इसकी क्या बतानी है, एक्सप्लेनेशन बतानी है इस डायग्राम की, ओ एक्सिस पे हमने आउटपुट लिया यूनिट्स के अंदर, ओ एक्सिस पे हम यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ले रहे हैं। उसके बाद जैसे जैसे हम आउटपुट को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं, पहले तो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम होती है, उसके बाद क्या होती है, यहाँ पे एक तरीके से कॉन्स्टेंट टाइप आ जाती है, उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाती है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।